ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेके। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम कुछ चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं चमत्कारिक शाही के कांटे की। शाही एक ऐसा जानवर है जो बहुत घने जंगलों में पाया जाता है। भारत में चंबल के बीहड़ों में या बहुतायत मिलता है। माना जाता है कि कांटों से भरा यह जानवर अगर शरीर से चिपक जाए तो खून तक चूस लेता है। तंत्र मंत्र में माहिर लोग इसके कांटों के तंत्रीय प्रयोग करते हैं। इसे अंग्रेजी में क्रेस्टेड पार्क लाइक पाइन कहते हैं। इसके पूरे शरीर पर बालों की जगह नुकीले कांटे होते हैं। इन नुकीले कांटों का उपयोग तांत्रिक कर्मकांड में करते हैं। किसी घर में अशांति फैलाने के लिए शाही के कांटे का प्रयोग किया जाता है। मान्यता यह भी है कि शाही का कांटा दही की नांद के नीचे रख देने से घर में दूध दही और अनाज की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि शत्रु के घर के दरवाजे पर या उसके आंगन में शाही का कांटा गाड़ देने से शत्रु का विनाश हो जाता है और वे आपस में ही लड़ते रहते हैं। शाही का वजन मुश्किल से 15 किलो तक होता है और उसके कांटे 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। दुश्मन से बचाव के लिए शाही तेजी से कांटे फेंकती है या कांटा अगर चुभ जाए तो घाव हो जाता है। शाही के कांटे से कुछ विशेष यंत्रों को लिखा जाता है। सामान्यतः शाही के कांटे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। शाही का कांटा घोर अमंगलकारी वस्तु है और इसका घर में रखना वर्जित है। शाही के कांटे को भी सिद्ध करके ही यंत्राद्य लिखने में काम लिया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः उच्चाटन और विद्योषण में किया जाता है। शत्रु बुद्धि स्तंभन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक संरक्षित पशु है, इसके किसी भी अंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर इसके कांटे स्वतः ही इधर उधर बिखरे मिलते हैं। किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग नैतिकता के दायरे में ही करना चाहिए। वीडियो में दी गई सामग्री जनश्रुति पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, अंधविश्वास फैलाना नहीं है। किसी भी तांत्रिक वस्तु के प्रयोग में स्वविवेक से ही निर्णय लें। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।